हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी दही भल्ला विथ टिप्स एंड सीक्रेट दही भल्ला मसाला। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लिया है और इसमें अभी हम दाल को करेंगे शोक। तो मैंने लिया है उड़द दाल। कोई कोई लोग उड़द एंड मूंग दाल को मिक्स करके बनाते हैं, तो आप उस केस में हाफ ऑफ क्वान्टिटी का दोनों दाल ले लीजिए। फिर हम इसको थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छा से वॉश कर लेंगे। इसका जितना भी स्टार्ची पानी है वो हम निकाल देंगे, ये देखिए। फिर हम अच्छा सा क्लीन पानी इसमें डाल करके इसको हम सोक करने के लिए रखेंगे कुछ 2-3 घंटा के लिए, ताकि ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए, यहाँ पर 3 घंटा हो गया है, तो मेरा दाल अच्छा से सॉफ्ट हो गया है। देखिए, मैं अगर इसको तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ हाथ से, तो ये टूट रहा है। तो अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ये हम निकाल देंगे और इसको एक ब्लेंडिंग जार में हम ट्रांसफ़र करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाते टाइम आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको इसके बहुत सारा पानी नहीं मिलाना है, बिल्कुल ही विदाउट पानी से आपको इसको बनाना है। अगर आपका मशीन नहीं चलता है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल करके पेस्ट बना लीजिए। उस केस में आप थोड़ा सा ठंडा पानी ही डालिए इसमें। और देखिए, मैंने इसको एक थिक सा पेस्ट बना लिया है। इसको एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल में मैंने ट्रांसफ़र किया है, ताकि आगे हम इसको फेंटेंगे तो बड़ा सा बोल की हमें ज़रूरत है। देखिए मेरा पेस्ट कितना थिक है। आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रिक बीटर से या फिर हाथ से भी फेंट सकते हैं। मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ किया है ताकि काम थोड़ा सा ईजी हो जाए। और आप हाथ से भी फेंट सकते हैं, थोड़ा सा 8-10 मिनट का काम रहता है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, चाहे आप हाथ से कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज़ कर रहे हो, आप ऑपोजिट इसको नहीं घुमा सकते हैं। देखिए, मैं जैसे एक ही साइड से, राइट साइड से ही इसको फेंट रही हूँ, और इसी तरह आपको इसको तब तक फेंटना है जब तक इसका शेड एक साइड लाइट ना हो जाए। देखिए, पहले थोड़ा सा ज़्यादा येलो था, अब थोड़ा सा वाइट होने लगा है। और इसको मैंने, देखिए, स्पैचुला से उठाया है तो ये नीचे गिर नहीं रहा है, तो बस इतना हमें चाहिए, ये देखिए। और इसको और एक टेस्ट हम कर सकते हैं। इसको देखिए, मैंने पानी में डाला थोड़ा सा, तो ये फ्लोट कर रहा है, ये नीचे डूब नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये पेस्ट रेडी है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हींग डाला है, जीरा, और डालूँगी मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट। इसको एक बार मिक्स कर देंगे, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में घुमाते हुए आपको इसको मिक्स करना है। और हाथ को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गीला कर लिया है, और इसमें से थोड़ा थोड़ा इस तरह बॉल हम बना करके मीडियम हॉट ऑयल में हम इसको तल लेंगे। तो ये देखिए, आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म या फिर एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म आपका तेल अगर होगा तो ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। और अगर ये बहुत ही लो फ्लेम में आप इसको तलेंगे तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो हमारा बड़ा है तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल शो कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम में आपको इसको इस तरह चलाते हुए फ्राई करना है। और ये देखिए, मेरा ये बैच हो गया है रेडी। तो बहुत ज़्यादा कलर भी आपको नहीं देना है, इतना ही आप कीजिए और इसको हम निकाल लेंगे। तो मैंने सारे बड़ा को इस तरह से बना लिया है। आप थोड़ा सा बड़े भी बना सकते हो। और देखिए, मैं आपको एक खोल करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसका अच्छा से एक एयर पॉकेट बन गया है। इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा से सॉफ्ट बनेगा। मैंने यहाँ पर गर्म पानी लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बिल्कुल वार्म है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और डालेंगे थोड़ा सा हींग। अब इस पानी में हम हमारे जो बड़ा है, उन सारे बड़ा को इसमें हम डाल देंगे। आपको अगर थोड़े दिन के लिए स्टोर करना है इसको, तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। जब आपको खाना है तब आप इसको गर्म पानी में सोख करके फिर आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो इतना बड़ा अभी हमें लग जाएगा, इसलिए मैंने सारे बड़ा को यहाँ पर डाल दिया है। इसको हम ढक करके रखेंगे कम से कम 1/2 घंटा, तब तक हम तैयार कर लेते हैं अपना दही। तो मैंने एक बोल लिया है, इसके ऊपर मैंने एक छन्नी रखा है, और इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 500 ग्राम्स दही। और इसको हम इस तरह से फेंट लेंगे, इसको इस तरह से छन्नी से हम पास करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा सा क्रीमी बन जाएगा दही। तो
आप ऐसे भी फेंट सकते हैं, बट इसमें बहुत ही अच्छा सा क्रीमी दही बनता है। बट इसको मिक्सर में कभी मत घुमाइए, अदरवाइज जो दही है वो बिल्कुल ही पानी पानी सा हो जाता है। अब देखिए ऐसे करने में हमारा दही किस तरह बना है, देखिए बिल्कुल ही क्रीमी बन गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, तो आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें शुगर ऐड कीजिए। वैसे इसका जो दही होता है दही वाला का, उसका दही थोड़ा सा मीठी होता है, तो आप उस हिसाब से इसमें शुगर डाल लीजिए। इसको एक बार ही मिक्स करेंगे और हम इसको रखेंगे फ्रिज में, ताकि हमें चाहिए बिल्कुल चिल दही। चलिए अब हम बना लेते हैं इसके लिए मसाला। तो मैंने एक पैन लिया है, इसको बिल्कुल लो फ्लेम में मैंने गरम किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टीस्पून जीरा। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। ये चाट्स वगैरह के लिए अजवाइन, हींग, ये सब बहुत अच्छा होता है, आप इन सारी चीज़ों को स्किप नहीं कीजिए, तभी अच्छा है। और इसको हम 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसका अच्छा अंदर तक ये भून जाना चाहिए, इसका बिल्कुल आपको हाई फ्लेम में भून करके इसको काला नहीं कर देना है, बट इसको अंदर तक भूनना ज़रूरी है। ये देखिए हमारे जो जीरा है इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है, अच्छा सा इसका भूनने का स्मेल आने लगा है। तब मैंने गैस का फ्लेम को कर दिया है ऑफ, और अब डालेंगे बाकी के चीज़ें, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चिली पाउडर 2 टीस्पून, और डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक डाल रहे हो, मतलब सादा नमक और काला नमक दोनों तरह का नमक जाएगा, तो आप दोनों को एडजस्ट कर लीजिए। डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून के करीब, और डालूँगी 2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। और ये सारे पाउडर मसाला है ना बहुत जल्दी जल जाता है, तो आपको इसको फ्लेम को ऑन करके नहीं करना है, ऑफ ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद बिल्कुल एक बार इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि पैन तो हमारा गर्म है ही, और इसको हम एक पेस्ट बना लें, फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए तो हमारा दही भल्ला मसाला भी बन गया है। अभी करते हैं असेंबल। तो ये देखिए ये आधा घंटा हो गया है इसको सोख करते होते हुए, और ये देखिए ये फूल करके अभी बिल्कुल डबल हो गया है। तो ऐसा आपको एक बड़ा लेना है, और इसको हाथ से प्रेस करके इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देना है। बहुत ही ज़्यादा इसको प्रेस करके, मतलब एकदम तोड़ना नहीं है, और ना ही इसका अंदर का जितना पानी है वो निकालना है, बिल्कुल एक्सेस वाटर इसको आप निकाल दीजिए बिल्कुल लाइटली प्रेस करते हुए। ये देखिए अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारा चिल्ड दही। फिर हम डालेंगे इसके ऊपर ग्रीन चटनी, और ये ग्रीन चटनी और मीठी चटनी दोनों की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा मीठी चटनी। ये चटनी की क्वांटिटी आपको कितना डालना है वो आपने टेस्ट के अनुसार आप डाल लीजिए, आपको जितना जैसा पसंद है आप उतना इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर से मैं डाल रही हूँ ये दही भल्ला मसाला। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा सेब या फिर थोड़ा सा अनार की दाना भी इसमें डाल सकते हो अगर आपको पसंद है तो। और ये देखिए हमारा टेम्पटेटिंग सा दही बड़ा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस होली आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।